वहीं हाथरस में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई और यात्रा शहर के प्रमुख बाजारों में घूमती हुई शहीद भगत सिंह पार्क पहुंची। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए और हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा के दौरान राज्य मंत्री असीम अरुण और हाथरस नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता दिवाकर भी मौजूद रहे। बांग्लादेश की जो घटना है उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैनी निगाह रखी है और इसके ऊपर स्टेटमेंट भी आया है। और कोई भी माइनॉरिटी, हमारे हिंदू भाई जो बांग्लादेश में हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सरकार चिंतित है और उसके लिए वहां की सरकार जो इस समय है उससे मिलकर काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि जो सिद्धिपुर में थी उससे बेहतर हुई है, लेकिन इसको 100% अच्छा करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, बहुत जोर शोर से पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा का आगाज हो चुका है और 15 अगस्त को हमारी तिरंगा यात्रा बड़े ससम्मान तरीके से हमारे लाल किले पर जो झंडा फहराया जाएगा उसके रूप में हम उसको गौरवान्वित करेंगे। पूरे भारतवासी तिरंगामय हो चुके हैं। हर घर तिरंगा, हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि हर घर तिरंगा फहराया जाएगा 15 अगस्त को। लगातार भारत में घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। वहीं हाथरस में भी ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है कि हाथरस में घर घर तिरंगा और फहराने के बाद में आज असीम अरुण जी जो प्रभारी मंत्री जी हैं हाथरस में पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद में यहां शहीद पार्क पर उन्होंने तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद में उन्होंने बांग्लादेश को भी लेकर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए भी बात कही है। मयंक बशिष्ट।